सिटी इंडिया। झारखंड से आ रही बड़ी खबर की, झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत के पक्ष में 47 वोट पड़े जबकि इसके खिलाफ 29 वोट पड़े हैं। सीएम चंपई सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विश्वास मत रखा था, तो ये बड़ी अपडेट झारखंड से आ रही है। चंपई सरकार ने विश्वास प्रस्ताव हासिल कर लिया है, चंपई सरकार बनी रहेगी। चंपई सोरेन ने अपनी पहली अग्नि परीक्षा पास कर ली है। आपको बताएं, भारत में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं झारखंड से, ये झारखंड विधानसभा की तस्वीरें हैं जहां पर वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद चंपई सरकार ने 47 मतों के साथ विश्वास मत हासिल किया। आपके पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। और विश्वास मत पर बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में पहली बार किसी सीएम की गिरफ्तारी हुई है, देश के लोकतंत्र में काली रात जुड़ गई है। 2022 से गिरफ्तारी की पटकथा लिखी जा रही थी। मैं कहना चाहूंगा 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय, देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है, इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। तरीके से ये घटना घटित हुई है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं। नियम कायदे कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है, बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी सुनियोजित तरीके से बड़े लंबे समय से 2022 से 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। और उधर विश्वास मत पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने चंपई सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से गई हेमंत सरकार के बाद मजबूरी में चंपई सरकार बनी है। अभी विधायकों को उठा के ले गए आप लोग, तो मैंने समझा कि भाई ये तो बीजेपी पे एलिगेशन लगाते, लेकिन हकीकत है क्या, इनको उठा के कहे ले गए। तो फिर हमको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडी एलायंस के जो इनके कन्वेनर है खड़गे जी का एक भाषण सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि भाई ये कहा कि भाई आप जो है ना कान पकड़ करके जब किसी को बूथ का एजेंट बनाना हो या कोई पार्टी का बढ़िया कार्यकर्ता बनाना हो, तो जैसे कुत्ता खरीदने के लिए बाजार जाते हैं ना, तो उसका कान पकड़ करके खड़ा कीजिए। जो कुत्ता कुई कुई करेगा ना, उसको हटा दीजिए, और जो भौं भौं करेगा उसको रखना चाहिए। माने कि ऐसा मत करिए, कंक्लूड तो करने दीजिए महोदय। तो ये पता चला कि जो ये टेक्निक है, ये टेक्निक से ये सारे लोग जो हैदराबाद गए थे
सब कोई कोई करने वाले थे और तीन लोग रह गए जो भोकने वाले थे। महोदय, ये सरकार में विश्वास नहीं है, ये सारे लोगों से पता चल